तो हमारा साबुत मूंग का दही बड़ा बनके तैयार है फ्रेंड्स, और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव की चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही बड़ा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस बड़े की रेसिपी को बनाने के लिए हमने 100 ग्राम मूंग लिया है, उसे 8 से 10 घंटा पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया है, और उसके बाद इसे हम मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमारा कुछ इस प्रकार का पीसने के बाद इसका पेस्ट तैयार हुआ। अब हम उसे एक बॉल में निकालेंगे, और बॉल में निकालने के बाद इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हमने आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच हल्दी और लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच से थोड़ी सी कम हमने डाला है, और इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करके हम इसे लगभग 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मिलाते रहेंगे, क्योंकि ये तब अच्छे से ये बनेगा। 5 से 10 मिनट मिलाने के बाद हमने अब एक पैन चढ़ाया है। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी तल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक फ्राई पैन लिया है, तो सारे पेस्ट को हम चम्मच की मदद से इस पर डालेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमने चम्मच की मदद से यहाँ पे डाला है। तो सारे को हम बारी बारी से डाल देंगे, और मीडियम को और फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखेंगे। ये देखिए, हमारा एक तरफ सिक चुका है, तो इसे हम बारी बारी से इसे पलट देंगे। तो इसी प्रकार से हम सारे बड़े को अच्छे से पलट देंगे, ताकि ये दोनों तरफ अच्छे से पक जाए। बिल्कुल लो टू मीडियम पे पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से इसका बीच का हिस्सा भी अच्छे से पके। तो ये देखिए, हमारा फाइनली पक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से हमने सारे बड़े को फ्राई करके निकाल लिया है। इस तरीके से आप YouTube पे पहली बार देख रहे होंगे दही बड़े की रेसिपी, क्योंकि हम यहाँ पे ना ही पानी में भीगने देंगे इसे, और ये ना ही किसी दाल की है, बल्कि साबुत मूंग की है। तो ये देखिए, हमने सारे बड़े को अच्छे से निकाल लिया है एक बॉल में, और इसका देखिए टेक्सचर बीच का, हम इसे तोड़ के देखते हैं। तो ये देखिए, इसमें जालीनुमा आकार ले लिया है इसके बीच में, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। तो अब हम इसमें दही डालेंगे। दही को हमने थोड़ी सी पतली रखी है फ्रेंड्स, इसीलिए क्योंकि हम पानी में से नहीं डालेंगे भीगने के लिए, तो इसी से ये सॉफ्ट होगा और बिल्कुल मुंह में घुल जाएगी। तो यहाँ पे हमने दही 300 ग्राम के आसपास लिया है, 300-350 ग्राम के आसपास। अब यहाँ पे हमने तवे पे रोस्ट किया हुआ जीरा डालेंगे यहाँ पे आधी चम्मच के आसपास में, और नमक, आपको मसाले कम ज़्यादा जैसा पसंद हो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जलजीरा पाउडर का इस्तेमाल किया है आधी चम्मच से कम, आप चाहे तो यहाँ पे अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमने थोड़ी सी लाल मिर्च इस पर डाला है, ये भी आधी चम्मच से कम, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, ये देख के बहुत ही टेस्टी लग रहा होगा आपको, रियल में ये बहुत ही टेस्टी है। तो ये देखिए, इसे हम सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से भीग जाए और इसका अंदर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, अब हम इसे सर्व के लिए निकालेंगे। तो ये देखिए, हमारा बड़ा इस प्रकार से बना है, और इसका अंदर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, ये जो हमने 15-20 मिनट तक इसे रखा था।
तो अब हम इसमें थोड़ी सी दही ऐड कर देंगे, उसी का दही जो हमने मिलाया था एक साथ। तो ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे, थोड़ी सी मसाला ऐड करके। तो यहाँ पे तवे पे भुना हुआ जीरा थोड़ी सी ऐड कर लेंगे और लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, बस इसे गार्निशिंग के लिए हमने प्रयोग किया है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल साबुत मूंग का दही बड़ा, इसे दही भल्ला के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे दही भल्ला भी बोल सकते हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये टेक्सचर इसका देख लीजिए, है ना बिल्कुल स्वादिष्ट। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।